हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और आप देख रहे हैं कंपास क्रू प्रेजेंट्स टीवी टीचर्स। टीवी टीचर्स का ये हमारा दूसरा एपिसोड है और दूसरे एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं। सीनियर सेकेंडरी प्रिंसिपल हैं, हिस्ट्री के फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर रहे हैं, स्वाध्याय सूरतगढ़ के मार्गदर्शक हैं और एक शब्द में परिचय दिया जाए तो नाम है सुमेर सिंह शेखावत। सर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुभाष जी। सर, सबसे पहले मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके बचपन और आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सुभाष जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी जो है वो किसान थे और सूरतगढ़ के पास में ही एक गांव है किशनपुरा। किशनपुरा वर्तमान में गैर आबाद एक गांव है जो कि वर्ष 75 के आसपास सेम ग्रसित होने से वो गांव जो है वो उजाड़ हो गया और गांव के जितने भी लोग हैं वो ढाणियों में रहते हैं। और तो शुरुआती मेरी शिक्षा जो है वो एक तरीके से चल विद्यालय जिन्हें कहें, यानी कि कक्षा 4 तक जो है वहीं गांव में ढाणियों में ही मेरी शिक्षा जो है वो रही। जी जी। एक चीज़ मैं आपका YouTube का कम्युनिटी सेक्शन चेक कर रहा था तो मैंने उसमें पाया कि आपने जो हायर एजुकेशन में कुछ डिग्रियां प्राप्त की हैं उनमें आप यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहे हैं। जी 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 जी। उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। बताना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कक्षा 4 तक जो है मेरी शिक्षा जो है एक चल विद्यालय अपने आप में ये कह सकते हैं कि जैसे ही सब लोग ढाणियों में रहते हैं, जैसे ही उन्हें किसानी का काम थोड़ा कम्प्लीट हुआ तो वो कोई एक ऐसे व्यक्ति जो 10th या 12th पास होता था उसको लेके आते और फिर एक तरीका एक विद्यालय जिसमें क्या है कि उस एक ढाणियों के जो बच्चे उनको पढ़ाने का कार्य। तो ऐसे करते करते कक्षा 4 तक तो मैंने उत्तीर्ण कर ली और कक्षा 5 से जो है मैंने पढ़ाई जो है वो मेरे बड़े बाबू साहब श्री इंद्र सिंह जी शेखावत जो है वो RCP में कार्यरत थे, बिरद्वाल हेड जो सूरतगढ़ के पास में कस्बा है, वहाँ कक्षा 5 से लेकर 8 तक मैंने वहाँ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है बिरद्वाल वहाँ पे मैंने अध्ययन किया। और वहीं से मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में जो एक बदलाव है, एक परिवर्तन जो है वहीं से मुझ में रहा। यूनिवर्सिटी टॉप, हाँ आप ये पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी टॉप, तो मैंने 2008 और 9 में जो है वो PG डिग्री हिस्ट्री से कंप्लीट की। तो उस दौरान क्या है कि मैं विश्वविद्यालय बीकानेर से जो है मेरी सेकंड रैंक जो रही है ऑल ओवर। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर जो है 2010 में मैंने MPhil कंप्लीट की और MPhil में भी प्रथम श्रेणी के साथ में यूनिवर्सिटी में मेरी सेकंड रैंक रही है। आपने बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम भी फाइट किए हैं उनके बारे में थोड़ा। हाँ सुभाष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतियोगिता परीक्षा में जो मेरी एक शुरुआत जो है वो मैंने BEd कंप्लीट की जुलाई 2007 में। और BEd कंप्लीट करने के बाद में प्रत्येक एक विद्यार्थी है उसके मन में ये रहता है कि सरकारी सेवा में जाना जी। तो उसी दृष्टि से मैं फिर सूरतगढ़ में रहने लगा और लगातार तैयारी नियमितता के साथ में लगातार जैसे 8-9-10 घंटे जो तैयारी करना। और उसी दौरान क्या है कि सितंबर 2009 में पहला एग्ज़ाम जो मैंने पास किया वो था संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में सामान्य शिक्षक के Grade 3 का जो है, जिसमें ऑल ओवर राजस्थान में मेरी सारी 1300 सीटें थी, सामान्य की 390 सीटें थी, उनमें मेरी 371वीं रैंक जो रही। सितंबर 2009 में मैं एक थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में, और फिर एक हर विद्यार्थी के मन में एक थोड़ा सा ठहराव आता है, जैसे कि थर्ड ग्रेड लगने के मन में ये उत्साह आया कि हमने दुनिया के सबसे बड़ा पद जो है वो पा लिए, तो मैं थोड़ा सा ठहराव सा ही आ गया, अपने जॉब को इंजॉय करने लगा। तो एक वैकेंसी थी सेकेंड ग्रेड की 2011 की, निकल गई। निकलने के बाद में कुछ साथी लोग सेलेक्ट भी हुए तो कहते हैं ना, साथियों से एक पॉजिटिव जेलसी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में काम में आती है। तो मैंने देखा कि मेरे साथी जो थे वो सेकंड ग्रेड बन गए, पहले थर्ड ग्रेड नहीं लगे थे, तो मन में एक पॉजिटिव वाली ईर्ष्या है ना, तो वो ऐसी हर विद्यार्थी में मैं कहना चाहूँ होनी भी चाहिए, अपने साथियों को आगे बढ़ने का जो है आप में हौसला अफजाई हो उससे। तो 2012 की सेकंड ग्रेड में मैंने बड़े मन से काम किया और हिंदी विषय से मैं सेकंड ग्रेड सेलेक्ट हो गया। फिर पुनः वो एक फिर ठहराव का काल जो है 2012 का एक तरीके से गोल्डन टाइम भी मैं कहूँगा कि मैंने RS प्री भी कंप्लीट की और उस दौरान सेकंड ग्रेड में भी रहा मेरा, सेट का भी एग्ज़ाम दिया, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम था। फिर पुनः व्यक्ति क्या है, खुद को एक सेटिस्फाई कर लेता है, नहीं सेकंड ग्रेड का जो बहुत अच्छा है, वर्कलोड नहीं है, मिड का है, थर्ड ग्रेड और लेक्चरर के बीच का सा जॉब है, वर्कलोड नहीं होता है, क्योंकि एक इंसान की प्रवृत्ति रहती है कि वो चीज़ों को अपने अनुसार डिफाइन करता है, मतलब समय की मांग, बिल्कुल कम्फर्ट जोन बना लिया मैंने। तो उस दौरान देखा कि मेरे बड़े अजीज मित्र राकेश जी भांबू जो वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल है, इंग्लिश से लेक्चरर रहे, हम लोगों ने, मैं हिंदी से सेकंड ग्रेड और वो इंग्लिश से सेकंड ग्रेड थे, और सूरतगढ़ के अंदर ये गांव आता है रघुनाथपुरा, वहाँ हम कार्यरत थे।
तो राकेश जी ने अपनी तैयारी नियमित रखी और वो लेक्चरर सिलेक्ट हो गए। तो फिर वो एक जेलसी अरे साथ के लोग तो लेक्चरर बन रहे हैं, अपने तो रुक रहे हैं। तो फिर मैंने 2016 में वापस स्कूल लेक्चरर की तैयारी आरंभ की और 2017 में बहुत सुखद परिणाम मुझे मिला और ऑल ओवर राजस्थान में लगभग 2000 सीटों में 62वीं रैंक के साथ में मैं व्याख्याता इतिहास बन गया। ये मेरा राजकीय सेवा में तीसरी जो पोस्ट थी। उसके बाद में फिर मैंने कोई भी ठहराव जो आने नहीं दिया प्रतियोगिता परीक्षा में। और उसके बाद में वर्ष 2019 के अंदर जो सेकेंडरी स्कूल रहते हैं उनमें एक पद रहता है सेकेंडरी हेडमास्टर, जिसको हम बोलते हैं, लगभग 5400 ग्रेड पे का ये पद रहता है। और जब उसकी वैकेंसी सॉर्ट आउट हुई, 1200 पोस्टें थी, फिर मेरे एक साथी है राकेश जी चोटिया और हम दोनों ने मिलकर तैयारी की। इसी बिंदु पे मैं कहना चाहूँगा प्रेजेंट में जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक आपका अच्छा सा ग्रुप होना चाहिए। वो ग्रुप मैं ये नहीं कहूँगा 15 लोगों का हो, 2-4 लोगों का हो। तो राकेश जी सर और हमने मिल के नहीं, हम मैं ये कहना चाहूँ दोस्त लोगों का ग्रुप, मतलब मेरे में कभी ऐसा था कि उत्साह की कमी आ रही है, कोई चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे मोटिवेट करते। कभी भाई साहब को कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उनको मोटिवेट करता और हमने साल भर साथ में तैयारी की। और ये रहा एक कहीं पे एक रिसर्च पढ़ रहा था जी जी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि जो न्यू ईयर पे हम रेजोल्यूशन करते हैं जी जी कि हम मतलब नए साल में ये चीज़ छोड़ेंगे या करेंगे, तो वो लगभग पहले सप्ताह में 90% तो वो खत्म हो जाते हैं जी जी जी, और जनवरी निकलते निकलते 99% खत्म हो जाते हैं। तो मैंने उसमें पढ़ा कि अगर आप कोई ग्रुप में रेजोल्यूशन करें, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, कोई संकल्प लें, तो वो आगे तक जाएगा। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब भी आप उन चीज़ों से पलटने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपके अगर साथी अगर अच्छे हैं, भले हैं, तो आपको वो चीज़ याद भी दिलाते हैं कि नहीं हमने एक ऐसा संकल्प लिया था। बिल्कुल ये बात सही है। तो ऐसे करते करते हमने लगभग साल भर तैयारी की और उस वैकेंसी में भी मैं लगभग 374वीं रैंक पे जो है वो सेलेक्ट हो गया। और राकेश जी भाई साहब की शायद जो रैंक रही 250 के आसपास रही, पदस्थापन मिल गया। मेरा लूनकंसर ब्लॉक बीकानेर में रहा, डेलाना बड़ा में पदस्थापन, और भाई साहब का जो है कृष्ण नगर जो है खजूवाला में, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग। उसके बाद में शिक्षा विभाग में मैं बताना चाहूँगा, ये आप सीधी भर्ती से 4 ही पद होते हैं, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, व्याख्याता, और उसके बाद में सेकेंडरी एचएम जो है, उसके बाद में कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं है। तो एक तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा में सीधी भर्ती में विराम आ गया। फिर पदोन्नति का दौर स्टार्ट हो गया। 2022 में मैं वाइस प्रिंसिपल पद पर प्रमोट हो गया और 2023 में अंदर जो है प्रेजेंट में मैं हूँ प्रधानाचार्य या प्राचार्य पद के ऊपर। जो एक चीज़ सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया, कुछ लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें बल्क में फाइट करते हैं एग्जाम, जैसे आपने भी 4-5 एग्जाम फाइट किए हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी हैं वो एक भी एग्जाम फाइट नहीं कर पाते हैं, बहुत लंबे संघर्ष से। मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम गौरव बुडानिया है, उनकी आरएएस में 12वीं रैंक थी और आईएएस में उनकी यूपीएससी सीएससी में 13वीं रैंक थी और नेट जीआरएफ उन्होंने क्लियर किया था, आईआईटी से पास आउट थे, और ये चीज़ें बहुत छोटे से समय अंतराल में हुई। तो एक आदमी तो मतलब एग्जाम फाइट कर रहा है बल्क में और कुछ स्टूडेंट हैं वो मतलब एक भी एग्जाम फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? मेहनत है या इंटेलिजेंस नहीं या इसके सुभाष जी बताऊं, एक स्टिक एक कारण नहीं हो सकता। मैं ये कह दूंगी सिर्फ ये ही कारण है कि एक ही आदमी जो चयनित हो रहा है वो लगातार, काफी कारण मिलते हैं। पहली चीज तो ये मैं कहूंगा जो आप व्यक्ति कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो एक सर्विस में चयनित हुआ और लगातार वो चयनित होता जा रहा है, तो पहली बात है उस व्यक्ति का समर्पण है, मतलब उसने अपनी कंटिन्यूटी जो है वो छोड़ी नहीं। मैं मेरा खुद का कहूँ तो दिसंबर 2005 में मैंने पीटीटी का फॉर्म अप्लाई किया और 2005 से लगातार आज भी, अगर 2023 में अपने आज 6 मई को अपने इंटरव्यू कर रहे हैं 2023 में, तो मैं मानता हूँ मैं नियमित अभी भी 2-4 घंटे में पढ़ता ही हूँ ना कोई भी विषय अपना। अब इतिहास विषय मेरा है तो मैं उसको छोड़ नहीं रहा। तो एक चीज़ तो ये है कि आपका जो विषय है, आपका जो एम है, उसको आप छोड़े नहीं। प्रेजेंट में यूथ में जो सबसे बड़ी कमी देख रहा हूँ मैं, बहुत से ग्रुप जो है उनमें जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों के कमेंट भी देखते हैं, ऐसे कमेंट होते थे गुस्सा भी आता है, मतलब कि बच्चे सी बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं। कल परसों की बात है, कुछ बच्चे एक क्वेश्चन लिख रहे थे कि व्याख्याता बनने के लिए कितने दिन की तैयारी होनी चाहिए, तो एक विद्यार्थी ने लिखा कि 90 दिन। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, मजाकिया लगा कि 90 दिन में आप पाठ्यक्रम का अंदर की सामग्री याद करनी दूर बात है, आप टॉपिक याद नहीं कर सकते 90 दिन में। टॉपिक याद नहीं कर सकते और एक व्याख्याता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है, आपको बहुत ट्रेन भी करना है वो चीज़ें। पर व्याख्याता बनने से पहले आपका जो विषय है उस विषय का गहन जो अध्ययन जो है ना वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूँ कि मैं क्लास में बहुत बार कहता हूँ
कि बच्चे जल्दी धैर्य छोड़ देते हैं कि एक साल तैयारी की नहीं हुआ, एक वैकेंसी में कहते हैं कि नहीं अब तो मेरा सब कुछ उजड़ गया, मैं अब कैसे लगूंगा। यानी एक साल में 360 दिन ही तो आपने काम किया है, और आपका काम ही क्या है। आप अपने बरानी क्षेत्र में किसानों को देखो, उन्होंने एक साल आना फसल नहीं हुई, दूसरे साल बोया, दूसरे साल नहीं हुई, तीसरे साल बोया, तीसरे साल, यानी पाँच पाँच साल हमने 10-10 साल अकाल को फेस किए। क्या किसानी खत्म होगी? क्या वो किसान खत्म हो गए? उन्होंने काम करना बंद कर दिया? ये कतई चीज़ें नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार वो काम कर रहे। जैसे मैं बताना चाहूं इसमें, वो 90 दिन वाली जो बात चल रही थी कि 90 दिन में सिर्फ आप पाठ्यक्रम के बिंदु है ना वो ही नहीं पढ़ पाएंगे, तो लंबी तैयारी विद्यार्थी नहीं करते। 2009 में आज भी मुझे याद है कि 2009 में कभी मैंने मेरे नाम के आगे ऐसा लिखा था सुमेर सिंह शेखावत लेक्चर इन हिस्ट्री। तो ये उदाहरण विद्यार्थियों को देता हूँ मैं कि 2009 में मैंने खुद अपने नाम के आगे लिखा लेक्चर इन हिस्ट्री, और वो जो चीज़ है वो मुझे मिली 2017 में। तो आज के विद्यार्थी आज सोचते हैं कल उनको चाहिए, कल नहीं मिलती है ना तो वो बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे अपने चिल्लाते हैं ना कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिली, ऐसी हरकतें जो है ना वो सही नहीं है। आप लंबी रेस के घोड़े बने। और दूसरी बात कि एक ही व्यक्ति क्यों चयनित हो रहा है, पहली बात तो ये नियमितता के आगे आप लगातार अपनी तैयारी रख रहे हैं वो छोड़ नहीं रह रहे हैं, वो लोग सेलेक्ट होते हैं। दूसरे उनको सामने प्रतिद्वंदी मिल ही नहीं रहे। बहुत बड़ी भीड़ देखता हूँ कि प्रेजेंट में 17 लाख 18 लाख लोग हो गए, पर जब आप अधिकांश बच्चों की बात करेंगे, सामान्य जो चीज़ें हैं उनको, अगर उनको हम पूछ लें कि अक्षांश देशांतर के बारे में पूछ लें, ग्लोब के बारे में पूछ लें, राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में पूछें, कि हमारी विधानसभा के बारे में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये बेसिक चीज़ें ही उनको पता नहीं है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता। मैं ये मानता हूँ कि प्रतिदिन न्यूज़पेपर को पढ़ना क्या है, पाठ्य सामग्री उसमें क्या है, क्या हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसमें विषय वस्तु, बच्चे उस पर भी काम नहीं करते। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आप तैयारी करते थे तो आप किसी संस्थान से जुड़े थे या आपने सेल्फ स्टडी से ही चीज़ों? नहीं, देखो जो चीज़ें हैं मुख्यतः आपको जुड़ना तो किसी ने पड़ेगा पड़ेगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं जी मेरे में तो वो दैवीय शक्ति है और मैं सब बैठ के अकेला कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। एक छोटे से बच्चे को भी चलाने के लिए जब वो चलना सीखा तो उसकी माँ ने, एक दादी ने, माता पिता जो भी है, दादाजी, सब ने अंगुली पकड़ के चलाई है। और कोई व्यक्ति ऐसा कहता भी है कि मेरे चयन में तो किसी का योगदान नहीं है, मुझे तो कोई अलौकिक शक्ति मिली और मैं चयनित हो गया, तो वो एक मिथक है, वो झूठ है। मतलब तो मैं कहना चाहूँगा शुरुआत में देखो जीवन में हर व्यक्ति प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन में आपको किसी टीचर ने पढ़ाया, किसी ने ये कहा बेटा पढ़ लोगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी, वो उस व्यक्ति का भी योगदान। एक आपके परिवार का कोई सदस्य है जो बिना पढ़ा लिखा है, वो भी कहता है कि बेटा हम तो किसी कारण नहीं पढ़ पाए, हम जो खेती में रह गए, तू पढ़ के नौकरी लग जाए, तो आपके जीवन में उस व्यक्ति का भी रोल है। तो हर व्यक्ति का रोल रहता है। जो सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में एक मन में जो बात आना कि हाँ लगना है मुझे सरकारी नौकरी में जाने, ऐसी चीज़ें सोचना, मैं आपको कह रहा हूँ दिसंबर 2005 में जैसे PTET का एग्ज़ाम के लिए हमने फॉर्म फिल किया, सबसे पहले सूरतगढ़ के एक बहुत जानी मानी शख्सियत हैं, वर्तमान में वो हरियाणा में जो है व्याख्याता हिंदी पद पर कार्यरत हैं, श्री महेंद्र सिंह जी शेखावत जो है। तो प्रारंभिक मैंने जो है PTET की तैयारी उनसे की, कंपटीशन के बारे में उनसे जाना, फिर मैं BEd करने के लिए सवाईमाधोपुर, मुझे चौथी रैंक में मिला तो मैंने सवाईमाधोपुर से मेरी BEd कंप्लीट हुई है, राजस्थान से ही हुई है। जी जी। तो जैसे जुलाई 7 में ये कंप्लीट होती है तो मैं अगस्त 8 में सूरतगढ़ वापस आ गया। मैं सूरतगढ़ से सिर्फ एक साल के लिए बाहर रहा हूँ, यानी मेरी 1998 में मैं 9th क्लास में सेठ रामदयाल राठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़ में है, तब से लेकर 23 तक सूरतगढ़ ही हूँ। एक साल की अवधि जो है कि वो सवाईमाधोपुर बाहर की रही। सारी मेरी प्रारंभिक एजुकेशन है या उसके बाद में जितनी भी डिग्रियां हैं या सर्विस भी मैं कह दूं कि आप छठी सेवा है मेरी, वो भी सूरतगढ़ में। उसके बाद में मैं जो है जुड़ाव रहा श्री चंदूराम जी सेठी, जो यहाँ पे SCBO भी रहे, CBO भी रहे, पालीवाला स्कूल है वहाँ हेडमास्टर भी रहे, सेठ रामदयाल राठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वो सेकंड ग्रेड मैथ से भी रहे, वर्तमान में उदयपुर में वो प्राचार्य पद पे कार्यरत हैं। तो मैंने कंपटीशन की जो बारीकियाँ जो है कि न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे आप पेपर सॉल्व करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनसे सीखी। तो ऐसे करते करते मेरा 3rd grade में रहा, 2nd grade में रहा। लेक्चरर के समय ये रह गया कि 6 घंटे आपको स्कूल को भी देने,
कुछ परिस्थितियां बदल गई, फैमिली जिम्मेवारी भी होगी, वहां भी समय निकलता है, तो एक नियमित शेड्यूल नहीं बन रहा था। जो आप बात कर रहे थे कि न्यू ईयर को हम ऐसा एक कमेंट करते हैं खुद से कि मैं ऐसा करूंगा, इस साल में ये करूंगा, पर वो 7 दिनों में चीज़ दूर हो जाती है। वही मैंने ऐसा महसूस किया कि अगर मैं काम रन करूंगा तो नियमित नहीं रख पाऊंगा। तो मैंने अपने आप को जो जोड़ा श्री प्रवीण जी भाटिया, जो भाटिया आश्रम के संस्थापक है, तो गुरु जी से, और वहाँ रह के मैंने स्कूल व्याख्याता की निरंतर तैयारी रखी, और सर के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से मैं 62वीं रैंक से ऑल राजस्थान से व्याख्याता इतिहास जो सिलेक्ट भी रहा। जी। मतलब आज के दौर में क्या सेल्फ स्टडी से कोई एग्जाम फाइट किया जा सकता है? देखो, मुख्य तो ये है कि अगर मार्गदर्शन मिलता है, बिल्कुल मेन तो है कि काम देखो आपने करना पड़ेगा। एक किसान है, अगर उसको ये लगता है कि मुझे इस खेत से बहुत सारा अनाज चाहिए, तो हल उसने जोतना पड़ेगा, मेहनत उसने करनी पड़ेगी, पर वो क्या चीजें बाहर से ग्रहण करेगा, वो उसे ये नहीं पता कि अच्छा उन्नत बीज कौन सा बोऊं, तो वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से उस चीज के लिए बात कर सकते हैं। तो ऐसे सहायक के रूप में तो बहुत सी चीजें रहेगी आपके। आप क्या देखें, पूर्व में उस पद पर जो लोग चयनित हो रखे हैं, उन लोगों का एक आप सूची बनाएं, उन लोगों के टच में रहें, और जब भी आप थोड़ा सा ऐसे रहे कि आपका उत्साह कम हो रहा है, तो उन लोगों से चर्चाएं करें, एक संस्थान से भी जुड़ें, और उस संस्थान से जुड़ के आप में एक नियमितता रहेगी, पर काम आपने करना है। बोझ क्या, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत बड़ी भारी मोटी फीस दे के किसी संस्थान में जुड़ गए, वहाँ 35,000-40,000 रुपये दे दिए, तो अब वो ये सोचते हैं कि हमने तो 40,000 रुपये दे दिए, अब ये संस्थान ही हमें जॉब लगा दे। वो कैसे लगा सकते हैं, वो संस्थान का जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। पर आपको मुख्यतः सेल्फ स्टडी जो है, आप खुद मेहनत ज़्यादा करें, और जो कठिनाई आ रही है, आप पढ़ेंगे तब कठिनाई आएगी, तब आप वो चीज़ें आपके सामने आ रही, तो आप वो टीचर से पूछें, उस संस्थान के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बात करें, अपने सहपाठियों से बात करें उस चीज़ के लिए। स्वाध्याय सूरतगढ़ के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है मतलब? स्वाध्याय सूरतगढ़, क्या कहूँ, एक इतना कोई बड़ा नाम नहीं है। स्वाध्याय सूरतगढ़ के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, तो जो मैंने ये कहूँ कि दिसंबर 2005 से, और स्वाध्याय सूरतगढ़ की स्थापना जो है 11 नवंबर 2020 तक से पहले, मैंने मेरे जीवन में जो चीज़ें देखी, और उस दौरान तक मैंने लगभग 5 परीक्षाएं जो है वो भी उत्तीर्ण कर ली थी, तो मैंने देखा कि वर्तमान दौर में कैसे विद्यार्थी इस चीज़ को लेके घूम रहे हैं कि उन्हें सही जो है वो एक ट्रैक नहीं मिला, लाइन नहीं मिल रही, काम करना कैसे चाहिए। तो तभी मैंने नाम भी वो सोच के स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी करना, अगर यहाँ कोई आ रहा है तो खुद आपको अपनी क्षमताओं को निहारना पड़ेगा, और खुद पे अगर आपको विश्वास है तो आप काम करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक संस्थान का कोई रोल हो सकता है तो वो हो सकता है 3 से लेकर 5%, 100% नहीं, 90+ जो है ना वो आपकी खुद की मेहनत है, तभी आप सफल हो पाएंगे। और हर जगह स्वाध्याय कहीं भी स्थापित कर सकते हो, हर गांव के कस्बे में कोई भी व्यक्ति अपने आप में जो इस चीज़ इस मुहिम को लेकर बढ़ा सकता है। और मैं तो सोचता भी यही हूँ कि इस संस्थान से जैसे विद्यार्थी निकल रहे हैं, तो मैं तो उनको ये कहता हूँ कि आप हर गांव में जिस कस्बे में आपकी पोस्टिंग हो वहाँ भी ऐसा एक संस्थान बनाएं और बच्चों को मार्गदर्शित करें वहाँ पे। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सूरतगढ़ में देखा है कि कोचिंगों का फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। मैं शेखावाटी से आता हूँ और शेखावाटी एक तरीके से एजुकेशन का हब है, और वहाँ पे जो कोचिंग है वहाँ पे 20-30 हज़ार से कम तो फीस होती ही नहीं है, तो इतने कम फीस स्ट्रक्चर में चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं? मतलब है तो मुश्किल चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मानो कि ये कोई ये सोचे कि ये किसी ने प्रॉफिट के लिए कर रखे, नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस के, पर ठीक है, एक संख्या है तो आप बचत में हो, और पर अगर 2-3 महीने ऐसे निकल गए कि आपके पास विद्यार्थी नहीं है, तो हो सकता है कि आपके घर से भी संसाधन लगे, क्योंकि आज बिल्डिंग किसी से रेंट पे लेंगे तो आज एक अच्छी बिल्डिंग लेंगे 35,000 से 40,000 रुपये से कम वो नहीं हो सकती। अब उस बिल्डिंग को संभालने के लिए आपको स्वीपर भी चाहिए, मैनेज करने के लिए 2-4 वर्कर भी चाहिए, 2-3 आपको टाइपिस्ट भी चाहिए, लाइट पानी की व्यवस्थाएँ हैं, आपको आर ओ प्लांट की व्यवस्था, ये सारी जब चीज़ें करते हैं तो आप माने कि 1-1.5 लाख रुपये खर्चा जो है वो पर मंथ का रहता है, तो वही विद्यार्थियों से लेना। और यानी ये देख लो कि हमारा जो रोल रह रहा है वो ये कि उन विद्यार्थियों के लिए संसाधन जुटा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ठीक है, अभी उन्हें ये व्यवस्थाएं करनी नहीं पड़ रही, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला हम काम कर रहे हैं। बाकी सूरतगढ़ कोई भी संस्थान जो है वो आर्थिक लाभ के लिए कार्य नहीं कर रहा, यहाँ के जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं अब वर्तमान में, तो थोड़ा सा सूरतगढ़ में काफ़ी संस्थान खुल चुके हैं, तो वो एक तरीके से सेवा भाव वाला कार्य है। एक दूसरा कह दूं कि फीस स्ट्रक्चर ऐसा क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट बन गए, आप कहीं भी काम करेंगे उस नेचर उस पर्यावरण या उस माहौल के विपरीत आप कोई काम नहीं कर सकते।
आपके सेखावटी में ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि वहाँ मोटी फीस है, तो छोटी फीस का संस्थान आएगा तो लोग उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि दिमाग में ये बन गया है जो फीस ज़्यादा लेगा बढ़िया वो बढ़िया। जैसे अपने कपड़े पहन रखे हैं, मान लो कि अगर चाहे इसका मूल्य कुछ भी है, अगर आपने ये कह दिया कि सर ये शर्ट जो है ना 5,000 की है, तो मेरा देखने का नज़रिया बदल गया, और आपने कहा नहीं सर ये 200 रुपये की, तो फिर मेरा देखने का नज़रिया बदल गया। ये सामान्य सी ये बात है। आपको जो हिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तैयारी करते हैं वो बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, जी, तो मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि एक बिगिनर अगर हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तैयारी करना चाहे तो कहाँ से किस तरीके से शुरुआत करें? देखो विषय कोई भी रहे अपने आप में वो जटिल नहीं है, पहले तो ये कि आपकी रुचि होनी चाहिए। अगर मुझे ये लगे कि ये विषय, जैसे मैं खुद कह दूं कि मैं सेकंड ग्रेड हिंदी से रहा, सेकंड ग्रेड हिंदी से लगने के बाद में मैं हिस्ट्री में उतरा, तो बहुत से बच्चों के जो मन की जिज्ञासा है उसको शांत करने वाला, अगर मेरे इस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे तो उनके मन की भी जिज्ञासाएँ शांत होगी। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने PG 2 सब्जेक्ट से कर रखी है, मान लो कोई ये कहता है मैंने ज्योग्राफी से कर ली, हिस्ट्री से कर ली, हिंदी से कर ली, अब मैं व्याख्याता किससे बनूँ? तो उनको मैं एक बात कहता हूँ कि दूसरे व्यक्ति के पास में जवाब है ही नहीं। जैसे मैं हिंदी से सेकंड ग्रेड था, RPSC फाइट करके आया, अच्छी मेरी रैंक थी, मैं हिंदी से PG भी कंप्लीट, फर्स्ट डिवीज़न से कंप्लीट, 4 साल से मैं हिंदी विषय जो सेकंड ग्रेड में पढ़ा रहा हूँ, मैं दुनिया के किसी व्यक्ति के पास में जाता और ये मैं कहता कि वर्तमान में मैं सेकंड ग्रेड हिंदी से हूँ, RPSC सेलेक्ट होके आया हूँ, 4 साल से हिंदी विषय में पढ़ा रहा हूँ और PG मेरी हिंदी से कंप्लीट है, उसके साथ मेरी हिस्ट्री से भी PG कंप्लीट है, तो हर आदमी ये कहेगा तो आप हिंदी से तैयारी करो, आप हिस्ट्री की तरफ क्यों जा रहे हो? पर मेरी अंदर की आत्मा जो थी, मन जो था, वो ये ऐसे था कि नहीं, अगर हिस्ट्री से लेक्चर नहीं बने तो मोक्ष नहीं होगा, मतलब उसके प्रति यानी पागलपन ऐसा ही था भी, हिंदी की किताबें निकालते ना, निकाल के पढ़ते, थोड़ी देर होती वो किताबें बंद हो जाती, मैं भाग के हिस्ट्री निकाल लेता, वो पढ़ने लगे और उनमें फिर मैं खो जाता, मतलब अब रात के चाहे वो 10 बज रहे हैं, रात के चाहे वो 1 बज रहे हैं, यानी कि चीज़ों कंटेंट में। तो आप विषय का चयन ये करें कि आपकी रुचि किस में, जो आपको उबाऊ नहीं लगे, आपको जिस विषय से थकान नहीं हो रही हो, आपको इंटरेस्टिंग जो विषय लगे, कोई भी विद्यार्थी उसी विषय से वो तैयारी करे। और आप कह रहे थे नए जो बच्चे हैं वो किस मतलब किस प्रकार से हिस्ट्री में उतरे, बेसिक चीज़ों पे काम करें। सबसे पहले आप ये कि NCERT 6 से लेकर 12 तक उसको बड़े सहज ढंग से आप पढ़ें, उनको एक रिवीजन आपने उसका कर लिया है, उसके बाद में आप किताबों पे जाएं, है ना। हाँ, तो किताबों की बात आ गई, बुक लिस्ट अगर आप सजेस्ट करना चाहें। देखो बुक लिस्ट के लिए तो अगर मैं नाम लूँ तो वर्तमान में ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा है क्वेश्चन है कि अब इतिहास विषय ऐसा है, सबसे ज्यादा जो किताबें लिखी गई है वो हिस्ट्री पे लिखी गई, सबसे ज्यादा अगर सैकड़ों में बात करें तो सबसे ज्यादा किताबें, और लिखने वाले व्यक्ति ने मेहनत की है 2 साल 5 साल, तो नो डाउट कमी है ही नहीं, किताब को तो कोई बुरा कह ही नहीं सकता कि ये किताब अच्छी है ये किताब बुरी। हाँ इतना हो सकता है थोड़ी भाषा शैली को लेकर हो सकती है कुछ उसको, जैसे एक मान लो कि कोई 90 के दशक में लिखी गई, एक कोई 2010 में लिखी गई, एक 2023 में लिखी जा रही है, तो ये है कि प्रेजेंट में जो किताबें प्रकाशित हो रही है वर्तमान में, तो ये मान के चले तो उनमें वर्तमान की जो डिमांड है, मतलब कि स्टूडेंट क्या चाह रहा है, और वर्तमान में जो एग्जामिनेशन एजेंसीज है वो क्या चाह रही है, उसके अनुसार नई किताबें जो है प्रेजेंट में चल रही है, कोई बढ़िया कोई राइटर है जो मैं नाम तो देखो ले नहीं सकता भी किस राइटर की आप पढ़े, पर इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो परिशोधित होके किताबें आ रही है प्रेजेंट में, मॉडिफाइड होके आ रही है, और नवीनतम अपडेट बुक जो भी आपको मिल रही है वो आप पढ़ें जिसकी भाषा आपको ठीक लगे, फैक्ट कभी बदलते नहीं है। मैं ये कह दूं कि हिस्ट्री में किसी को ये कहूं कि हड़प्पा सभ्यता ऐसा टॉपिक है तो उसमें क्या बदलेगा, कोई फैक्ट बदलने वाला है ही नहीं, कुछ भी उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा जा सकता कि मेरा मन ये कह रहा है कि मैं इसमें ये जोड़ दूं, नहीं जुड़ेगा। 1857 की क्रांति है तो आप क्या जोड़ सकते हैं उसमें, वो फैक्ट हैं तो वो हैं। हाँ उसमें ये हो सकता है कि थोड़े से उनको ये लग रहा है कहीं कुछ बोल्ड कर दिया, कुछ एक एक जगह कोई डायग्राम बना दिया, कुछ उसको थोड़ा रोचक बना दिया, हाँ ये हो सकता है। आपके मार्गदर्शन में भी बहुत सी किताबें छपी हैं सारी? हाँ मैंने किताबें तो नहीं लिखी, अगर ऐसा कहूँ मैं किताबें लिखी हैं, बहुत से बच्चों के मैसेज ऐसा नोट्स बताएं हमें, तो उस चीज़ को समाधान करने के लिए हम लोगों ने जैसे RBC की जो बुक्स हैं उनमें से, क्योंकि अब RBC की या NCERT की सारी बुक कलेक्शन करें 6 से लेकर अगर हम 10 तक की, तो लगभग 18 किताबें होती है। अब 18 किताबों का नाम लूँ, जैसे आप मेरे पास में आगे सर मैंने बेसिक तैयारी करनी है, रीट की तैयारी करनी है, मुझे किताबें बताओ, और मैंने कह दिया भाई 6 से 10 तक की आप RBSC NCERT 18 किताबें पढ़ लो, तो पहले कह दें गुरुजी से तो पूछना नहीं, ये कोई बात हुई क्या, 18 किताबें थोड़ी पढ़ी जा रही। तो कुछ हमने उसमें बच्चों का जो मतलब समय बचे और उनको भाव नहीं लगे क्या चीज़ें उनके पढ़ने वाली है, तो
हमने क्या वहीं से मैटर, अपनी तरफ से हमने कुछ भी नहीं जोड़ा। मैं अपने आप को लेखक नहीं मानता, हाँ मैं एक संकलन करता मानता हूँ, वहीं से मैंने फैक्ट लिया, उनको सुव्यवस्थित रूप से लिख दिया। तो हमारी जो रीट सार संग्रह काफ़ी चली, रीट फर्स्ट में भी बहुत उसका वेटेज रहा, रीट सेकंड में भी वेटेज रहा, काफ़ी चलने वाली, बच्चों ने बहुत सराहा उसको। तो उसके बाद में हमने दो तीन चार किताबें निकाली है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी है, ऑब्जेक्टिव पर्सन जो है उसके लिए, और स्कूल लेक्चर फर्स्ट पेपर हिस्ट्री खंड के लिए भी किताब हमने लिखी, वो भी बहुत शानदार है। पिछले में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप के जो भी पेपर है, 15 में से 13-14 क्वेश्चन उसमें से निकले भी हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है। जी जी जी, इतिहास में आपको कौन सा करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मतलब पसंद आता है? देखो, एक किसी व्यक्तित्व को निकालना तो क्या है कि अन्य के साथ में न्याय नहीं होगा। मैं अपने आप को इतना बड़ा मानता भी नहीं हूँ कि मैं ये कह दूँ कि इतिहास में इतने लोग हैं उनमें से इस व्यक्ति का मैं जो है। लेकिन आपको अगर कोई प्रभावित करता हो या प्रभावित कोई जो दो तीन चार पांच। जी जी, प्रभावित करने वाले में अगर हम प्राचीन भारत में बात करें, मिड में बात करें और बाद के काल में बात करें, तो अगर हम छांटें तो प्राचीन में अगर देखें तो सबसे पहले में जैसे अशोक का नाम आता है, चंद्रगुप्त का नाम आता है, अगर हम बात करें गुप्त काल में समुद्रगुप्त का नाम आता है। इन लोगों का इसीलिए नाम आता है कि क्योंकि जब एक राजा का जब नाम आता है दिमाग में तो हमें ये दिखता है कि राजा, तलवारें, रक्तपात, युद्ध, मारकाट। पर इन शासकों को जब आप रखते हैं तो वास्तव में एक राजा का जो रूप है कि राजा की एक उस राज्य के लिए, उस प्रजा के लिए पिता का स्वरूप जो है, और पिता की क्या ड्यूटी है, इन लोगों ने बखूबी, जिसमें चाहे चंद्रगुप्त रहे हों, चाहे अशोक रहे हैं, चाहे समुद्रगुप्त रहे हैं, चाहे हर्ष रहे हैं, इन लोगों ने जो काम किया ना वो ये किए, एक पिता वाला काम किए कि जिसमें आप देखेंगे कि असली एक पिता का क्या काम होता है कि अपने बच्चों को पूरी देखभाल, उनकी हर समस्याओं पर काम करना। तो उस समय आप देखेंगे कि इन लोगों ने एक तो धर्म वाली चीज़ जो है वो प्रेजेंट में अपने देखते हैं कि कहीं भी किसी पे ये नहीं थोपा कि आपने ये धर्म का परिपालन करना है, मानना है, क्योंकि राज्य इस धर्म को संरक्षण देता है, कतई नहीं थी। और मैं तो ये कहता हूँ प्रेजेंट में जितने भी विश्व में देश है सबको इन चीज़ों को फॉलो भी करना चाहिए। उसके बाद में प्रजा हित से जो कार्य हैं, कहीं कुएं खुदवाने हैं लोगों की समस्याओं के लिए, कहीं ओस डाले जैसी व्यवस्थाएं ये करनी है, प्रजाओं की समस्याओं को समझना, कर को भी उतना जितना वो दे पाए, तो ये सारी चीज़ें जो है, तो मैं कहूँगा प्राचीन भारत वाले जो पात्र हैं वो काफ़ी मुझे बढ़िया लगते हैं। और अगर हम कहें कि मिडाइवल काल के लिए, तो प्रताप के बारे में पूरे विश्व जो है उनसे बहुत प्रेरित मतलब। जी, नई भर्तियों की नोटिफिकेशन पर चर्चा हो रही है। जी जी, तो अगर आप उस पर थोड़ा बताना चाहें कब तक भर्तियां आ सकती हैं? देखो, मैं हमेशा ज़्यादातर जिस विषय पे बात करता हूँ ये विज्ञप्ति वाले विषय पे बात करता हूँ, क्यों मुझे ये सबसे बोरिंग सा विषय लगता है, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन आते हैं सर वैकेंसी कब आने वाली है, अब कब आने वाली है, अब हर आदमी ये कहे भी सूरज कब निकलने वाला है, कब अस्त होने वाला है, अब ये सूरज की ड्यूटी है वो कब निकले, अपने से तो पूछ के निकलना नहीं है, या हम ये पांव पिटें कि आज सूरज तू एक घंटे पहले निकल जा और आज दो घंटे पहले तू अस्त हो जा, नहीं होने, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है कि हम काम करें, वैकेंसियां निकलनी है। और लाजमी जैसा जिज्ञासात्मक पर्सन है, हमारे मन में भी रहा करता था 2006-07 में कि हमें ये लग रहा था कि एक ही वैकेंसी निकलेगी, बाद में तो वैकेंसियों का अकाल आ जाएगा। पर 2009 में मेरे सेलेक्ट होने के बाद में मैं देखूं तो राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 से 3.5 लाख जो उससे भर्तियां जो है वो निकाली है, आगे निकलती रहेगी, सतत प्रक्रिया है ये। तो प्रेजेंट में लेक्चरर की देखें अपने तो लगभग 29,000 पद जो है वो रिक्त पड़े, 29,000 पद बहुत बड़ी संख्या है। ये हाल तृतीय श्रेणी के, क्योंकि इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, लगभग 3.5 लाख जो है ना वो कर्मचारी कार्यरत हैं, तो 10-15 हज़ार तो सालाना सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों को लगातार ये नहीं सोचना चाहिए वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि आप तैयारी करो, कम से कम आपको 365 दिन का समय चाहिए, तो आप तैयारी पे ध्यान दें, मेहनत करें, वैकेंसी निकल जाएगी, गवर्नमेंट का काम है ये, और हमारे को दखल अंदाजी से तो कुछ होना नहीं है। पेपर लीक की मतलब बार बार घटना हो रही है और भर्तियां भी रद्द हो रही हैं, तो इस पे बच्चों पे एक नेगेटिव असर पड़ रहा है, बहुत तो बच्चे अपने आप को कैसे मैनेज करें अपनी तैयारी? दुखद है ये। देखो, अब आपके और मेरे या विद्यार्थियों के तो हाथ में है नहीं, ये तो राज्य सरकार जिस तत्परता से काम भी कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने देख रहे हैं कि जो भी लोग इसमें लिप्त थे उन पर कठोर कार्रवाई हुई, इस बात के लिए गवर्नमेंट की सराहना भी होनी चाहिए। देखो, ये तो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि बुराइयाँ भी आती है, पर उनका समय पर निस्तारण हो जाए तो अच्छी बात है। तो
अगर मैं ये देखूं, आप ये कह रहे हैं कि क्या बच्चों पे प्रभाव जो पड़ता है जी जी, कि 2021 की रेट अगर कंप्लीट होती तो उन बच्चों के दो दो साल सर्विस में कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब उतना आर्थिक जो नुकसान उनका रहा है और एक मेंटली उन्होंने प्रेशर जो झेला है उसकी कोई भरपाई नहीं, कोई भरपाई नहीं है। एक चीज़ ये है कि मैं भी बच्चों को देखता था तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मजदूरी करते थे और वो मजदूरी छोड़ के और तैयारी करने के लिए आए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो आज जो प्रेजेंट में जो भी विद्यार्थी, चाहे वो सूरतगढ़ में रहे, राजस्थान के किसी भी कोने में रह रहे, वो जो तैयारी कर रहे हैं वो सब एक सामान्य मेरी तरह परिवार से हैं कि जिनके पिता या तो कोई किसान होंगे या किसी के पिता मजदूर होंगे, और तो ये समस्या जो है एक तरीके से अपने कहें कि इतनी हम कमज़ोर एक फैमिली से आते हैं जी जी। और यहाँ रह के अगर ये हो कि हमने 6 महीने काम किया और परीक्षा रद्द होगी तो एक बहुत बड़ा आघात भी है, पर हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप इस रास्ते पे चलें, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी जो भी हुआ पुनः लौटना अपने तैयारी की तरफ ही पड़ेगा और हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। इस तरीके की घटना होती है तो एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मतलब बच्चों में सुसाइड टेंडेंसी भी बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में हम कोटा में देखें ये ड्यूटी जो है ना, वो एक गार्जियन की या आपके फ्रेंड सर्कल की, मान लो आपके 5 लोग मित्र हैं तो थोड़ी जैसे आपकी ड्यूटी बन रही है, मेरी ड्यूटी बन रही है, ये सोसाइटी की ड्यूटी बन रही है, मदर फादर की ड्यूटी बन रही है, उनकी ड्यूटी है ये। और लाजमी है कि अगर मेरे साथ में ऐसी कोई मिस हैपनिंग हुई है तो मैं अंडर प्रेशर जाऊँगा और उस दबाव में मैं कोई भी रास्ता जो है वो इख्तियार कर सकता हूँ। तो ये जो ड्यूटी बन रही है ना, मैं अब कह दूँ उस बच्चे को कहूँ कि नहीं तू अपने आप को मजबूत रख, ऐसे वैसे धैर्य रखो। देखो समझदार सब होते हैं, हर व्यक्ति, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जीवन से प्रेम नहीं करता। अगर वो जीवन से मुक्ति चाह रहा है, ऐसा कदम उठा रहे तो मान के चलो वो बहुत बहुत आहत है। उस समय परिवार और समाज की ड्यूटी है कि हमें लगे कि हमारे बच्चे के साथ में ऐसा कुछ हुआ तो हम निरंतर उसके संपर्क में रहें, ऐसा आपको लग रहा है तो उसे अकेला नहीं छोड़ें, आपको उस दिन के लिए घर बुला लें, उसे ऐसा नहीं कि तूने ये क्या कर दिया, तू तो इस भर्ती में लगा ही नहीं, साथ का तेरे वो लग गया, तो ऐसी बातें नहीं कि उनके हाथ में, उनके पीठ पे हाथ रखे माता पिता, उनको ये कोई बात नहीं बेटा, हो गया सो गया, तूने तेरी तरफ से बहुत अच्छा किया। आपका कोई मित्र है तो आप उसे कि नहीं तूने बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी में लग जाएगा तू। तो ये चीज़ें हम पे निर्भर करती है, उस व्यक्ति को हम दोषी नहीं ठहरा सकते उस चीज़ के लिए। मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं विद्यार्थियों का, अगर आपको सलाह देखो प्रेजेंट समय में अगर जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहले से वो 4 बार सोच लें। आपने निर्णय वो नव वर्ष वाले नहीं करने हैं कि ले भाई तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, अब इन 7 दिन अगले पूरे साल ये नहीं करेंगे, ऐसे वादे नहीं करें। देखो आप कुछ बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, व्याख्याता बनेंगे, आरएस बनेंगे, आप सोचें आप खुद के लिए बनेंगे, माता पिता या मित्र है या भाई बंधु है वो आपसे प्राउड फील कर सकते हैं, पर उसका जो सुख भोगना है आपने और समाज में आपकी जो पृष्ठभूमि बनेगी वो आपकी खुद की बनेगी। जब आप खुद के लिए कुछ कर रहे हैं तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए आप लोगों को कभी भी। जैसे मैं खुद के बारे में मैं ये सोचूं कि मैं ये सोचता था कि मेरे पास में एक अच्छा घर हो, बार बार मैं ये सोचता था, तो अगर मुझे अच्छा घर चाहिए, मेरे बच्चों को मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, मेरे माता पिता के लिए जो सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध करवाऊँ, तो अगर ये चीज़ें मैं चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मेहनत का कोई जो है वो शॉर्टकट नहीं है, नियमित लगे रहें, 1, 2, 3, 4 जितने दिन है, जितने वर्ष है, जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती आप रुके नहीं। यही चीज़ है, यही स्वाध्याय है और यही जो है वो चयनित होने का तरीका है। अन्य मैं आपको कह दूँ कि 30 दिन में, 90 दिन में जो लोग कहते हैं तैयारी, कुछ भी नहीं होता 90 दिन और 30 दिन के अंदर जो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सुभाष जी, आपने जो समय दिया और मेरे मन की कुछ बातें थी, मैं ये कहूँगा बातें नहीं, कुछ मेरे मन में ये विद्यार्थी जो बचकाने क्वेश्चन करते हैं तो गुस्सा भी रहता है, तो गुस्सा भी बाहर निकला और मैं मानूंगा कि राजस्थान के विद्यार्थी अपनी इन बातों से लाभान्वित होंगे। जो विद्यार्थी सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप निरंतर तैयारी करें और ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद सुभाष जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।